अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सिलिकॉन वैली बैंक के बाद लगातार बैंकों की हालत खराब होती दिख रही थी और इसी लिस्ट में यूएस का एक और मिड साइज बैंक भी शामिल था जो डूबने की कगार पर खड़ा था, जिसका नाम था फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। और अब इस बैंक ने बताया है कि उसके ग्राहकों ने पिछले महीने हुए बैंकिंग पैनिक की वजह से बैंक से करीब $100 बिलियन निकाल लिए हैं, यानी कि ग्राहकों ने डिपॉजिट के करीब 40% पैसे बैंक से विड्रॉ कर लिए हैं, जिसके बाद मार्च में बैंक के पास करीब $104 बिलियन के ही डिपॉजिट्स रह गए, जिसमें कि $30 बिलियन बैंक को डूबने से बचाने के लिए दूसरे बैंकों से मिले थे। ग्राहकों को लगा कि बैंक डूबने वाला है, इसलिए उन्होंने अपना पैसा निकालना ज्यादा बेहतर समझा। और इस खबर के सामने आने के बाद बैंक के शेयर में 50% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये शेयर का अब तक का सबसे निचला स्तर था। माना जा रहा है कि इतने कम डिपॉजिट 2008 के बैंकिंग क्राइसिस के बाद अब देखने को मिले हैं। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के शेयर में गिरावट के साथ ही बाकी बैंकों के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई। एक रीजनल बैंक पैकवेस्ट बैंकॉप के शेयर में 9%, वेस्टर्न अलायंस बैंक कॉर्पोरेशन के शेयर में 6%, ज़ायोन बैंकॉप के शेयर में 5% और ब्रोकरेज चार्ल्स कॉप के शेयर में 4% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं जेपी मॉर्गन के शेयर में भी 2% की गिरावट दर्ज की गई। और बैंकिंग शेयरों के साथ ही इंडेक्स का भी बुरा हाल रहा, इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिली। KBW नैस्डैक रीजनल बैंकिंग इंडेक्स में 4% और S&P 500 बैंक इंडेक्स में 2.6% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का कहना है कि हालात काबू में हैं और वो अपनी पोजीशन को और मजबूत करने के लिए आने वाले समय में अपनी वर्कफोर्स में 20-25% की कटौती करने की भी तैयारी कर रहा है। शेयर बाजार में बैंक का बुरा हाल है, शेयर टूटकर आधे पर पहुंच गया है। अब देखना ये होगा कि शेयर कब और कैसे कितने रिकवरी करता है। इसके साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि ये बैंकिंग क्राइसिस का सिलसिला कब खत्म होने का नाम लेगा। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जागरण बिजनेस।